मैं आपके सामने एक और जानकारी लेकर के आई हूँ मास्टरी की। आप तो जानते होंगे मास्टरी के बारे में। तो मास्टरीज जो है वो प्रोडक्शन बिल्डिंग को, टाइम को, कॉइन या पैसे को और एक्सपीरियंस पॉइंट को बूस्ट करती है। सिर्फ माइन, लॉबस्टर पूल और डक सैलून को मास्टर्ड नहीं किया जा सकता है, और सभी जो मशीनें हैं उसमें मास्टरी होती है। मास्टरी लेवल 15 से अनलॉक होती है। तो मैं आपको पिक्स के द्वारा समझाती हूँ। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बेकरी के बारे में बताती हूँ। बेकरी 35 घंटे बाद हमें सबसे पहला स्टार मिलता है। जब 35 घंटे बेकरी काम करती है उसके बाद, तो पहला स्टार मिलने से हमें 5-10% जो है वो कॉइन ज़्यादा मिलने लग जाते हैं। दूसरा, 140 आवर बाद हमें 2 स्टार मिलते हैं, इसकी वजह से हमें 10% ज़्यादा एक्सपी मिलने लग जाती है। और 560 आवर के बाद हमें 3 स्टार हो जाती है ये हमारी मशीन, और इसकी वजह से 15% काम जल्दी होने लग जाता है। दूसरी मशीन है बीबी ग्रिल। इसमें भी आप देख सकते हैं 30 घंटे बाद हमें पहला स्टार मिलता है, जिसमें 10% हमें कॉइन ज़्यादा मिलने लग जाते हैं। 120 आवर बाद 2 स्टार मिलते हैं, जिससे 10% एक्सपी ज़्यादा मिलने लग जाती है। और 480 आवर बाद हमें 3 स्टार मिल जाते हैं इस मशीन को, और इससे 15% ये मशीन जल्दी काम करने लग जाती है। तीसरी मशीन है केक ओवर, जो कि 65 आवर बाद हमें 10% कॉइन ज़्यादा मिलने लगते हैं फर्स्ट स्टार मिलने से। 260 आवर बाद हमें 2 स्टार मिलते हैं, जिससे 10% एक्सपी ज़्यादा मिलती है। और 1040 आवर बाद हमें इसमें 3 स्टार मिलते हैं, जिसकी वजह से 15% हमारा काम जल्दी होने लग जाता है। कैंडल मार्कर 72 आवर बाद हमें फर्स्ट स्टार मिलता है, 288 आवर बाद हमें 2 स्टार मिल जाते हैं, और 1152 आवर के बाद हमें 3 स्टार मिलते हैं, जिससे 15% हमारा काम जल्दी होने लग जाता है। तीसरी मशीन है कैंडी मशीन। 72 घंटे बाद हमें 1 स्टार मिलता है, 288 आवर बाद हमें 2 स्टार मिलते हैं, जिससे 5% एक्सपी बढ़ती है। जबकि आपने देखा होगा पहले वाले कई चीज़ों में 10% बढ़ रही थी, और 1152 आवर बाद हमें 15% इससे अर्लियर काम होने लग जाता है। कॉफ़ी कियोस्क 70 घंटे बाद हमें पहला स्टार मिलता है, जिससे 10% कॉइन ज़्यादा मिलते हैं। 240 आवर बाद हमें सेकंड स्टार मिलता है, जिससे 5% जो है वो एक्सपी हमें ज़्यादा मिलने लग जाती है। और 960 घंटे बाद हमें 3 स्टार ये हमारा मशीन हो जाती है, जिससे कि 15% जल्दी काम होने लग जाता है। डेरी 40 घंटे बाद हमारा 1 स्टार मिल जाता है, जिससे हमारा 10% कॉइन ज़्यादा मिलने लग जाते हैं। 120 आवर बाद सेकंड स्टार मिलता है, जिससे 10% एक्सपी ज़्यादा मिलने लग जाती है। और 560 आवर्स बाद में हमें 15% अर्लियर जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हो जल्दी बनने लग जाते हैं। तीसरी मशीन है, और उसकी अगली मशीन है फीड मिल, जिसमें कि 120 आवर बाद हमें पहला जो है वो स्टार मिलता है, और सिर्फ 5% इससे हमें कॉइन ज़्यादा नहीं, इसमें आपको 5% जो है वो जल्दी बनता है। दूसरा आवर 840 आवर के बाद में हमें सेकंड स्टार मिलता है, जिससे हमारा फीड जो है वो 10% जल्दी बनने लग जाता है। और तीसरा स्टार हमें 5880 आवर बाद मिलता है, जिससे हमारी मशीन 3 स्टार वाली हो जाती है, और हमारा फीड जो है वो 15% ज़्यादा तेज़ी से बनने लग जाता है। फ्लावर शॉप 72 घंटे बाद हमें फर्स्ट स्टार मिलता है, 288 आवर बाद हमें सेकंड स्टार मिलता है, और 1152 आवर बाद हमें 15% जो है अर्लियर होने के लिए 3 स्टार हमें मिल जाते हैं। हेट मेकर 72 घंटे बाद हमें पहला स्टार मिलता है, जिससे कॉइन जो है वो 10% ज़्यादा मिलते हैं। 288 आवर बाद हमें सेकंड स्टार मिलता है, और 1152 आवर बाद हमें 3 स्टार मिलते हैं, जिससे कि ये 15% तेज़ी से काम करता है। हनी एक्सट्रैक्टर आप देख सकते हैं 50 घंटे बाद हमें फर्स्ट स्टार मिलता है, 150 आवर बाद हमें 2 स्टार मिलते हैं, और 450 आवर बाद हमें 3 स्टार इसमें मिल जाते हैं। हॉट डॉग स्टैंड 72 घंटे बाद हमें पहला स्टार मिलता है, 288 आवर बाद हमें दूसरा स्टार मिलता है, और 1152 आवर बाद हमें तीसरा स्टार मिलता है। आइसक्रीम मेकर 60 घंटे बाद हमें पहला स्टार मिलता है, 240 आवर बाद हमें दूसरा स्टार मिलता है, और 360 आवर बाद हमें 3 स्टार ये मशीन हमारी हो जाती है। जैम मेकर 90 घंटे बाद हमें पहला स्टार मिलता है, 260 आवर बाद हमें दूसरा स्टार मिलता है, और 1440 आवर बाद हमें तीसरा स्टार मिलता है।
ज्वेलरी 70 घंटे बाद हमें पहला स्टार मिलता है, 280 आवर के बाद में लगातार काम करने के बाद में हमें दूसरा स्टार मिलता है, और 1120 आवर बाद हमारी ये मशीन 3 स्टार हो जाती है। जूस प्रेस 50 घंटे बाद हमें पहला स्टार मिलता है, 250 आवर बाद हमें दूसरा स्टार मिलता है, और 1250 आवर बाद हमें तीसरा स्टार मिलता है। लूम 36 घंटे बाद हमें पहला स्टार मिलता है, 180 आवर बाद हमें दूसरा स्टार मिलता है, और 90 आवर बाद हमें 900 आवर बाद हमें जो है वो तीसरा स्टार मिल जाता है, और लूम मशीन हमारी 3 स्टार हो जाती है। लूर वर्क बेंच आप देख सकते हैं कि हमारे ये जहाँ जो फिशिंग एरिया है वहाँ पे हमें ये लूर बनाने के लिए काम में आती है। तो 120 आवर बाद हमें फर्स्ट स्टार मिलता है, जिससे कि 5% जल्दी बनने लग जाते हैं। दूसरा स्टार हमें 840 आवर बाद मिलता है, और तीसरा स्टार 5880 आवर बाद मिलता है, जिससे कि हमारा 15% जल्दी चीज़ें बनने लग जाती हैं। नेट मार्कर ये भी आप देख सकते हैं, 120 आवर बाद, 840 आवर बाद और 5880 आवर बाद ये वो 3 स्टार हो जाता है। पास्ता किचन 72 घंटे बाद हमें पहला स्टार मिलता है, 288 आवर बाद हमें दूसरा स्टार मिलता है, और 1152 आवर बाद हमें तीसरा स्टार मिलता है। पास्ता मेकर 72 घंटे बाद हमें पहला स्टार मिलता है, 288 आवर बाद हमें 2 स्टार मिलते हैं, और 1152 आवर्स लगातार ये मशीन जब काम करती है तो हमें ये 3 स्टार मिल जाते हैं। पाई ओवन 40 घंटे बाद हमें पहला स्टार मिलता है, 160 आवर बाद हमें दूसरा स्टार मिलता है, और 640 आवर बाद हमारी मशीन 3 स्टार हो जाती है। पॉपकॉर्न वाला 50 घंटे बाद हमें पहला स्टार मिलता है, 150 आवर बाद हमें दूसरा मिलता है, और 450 आवर बाद हमें तीसरा स्टार मिल जाता है। सलाद बार 72 घंटे बाद हमें पहला स्टार मिलता है, 288 आवर्स बाद में हमें दूसरा स्टार मिलता है, और 1152 आवर्स के बाद में हमें तीसरा स्टार मिल जाता है। सैंडविच बार 72 घंटे बाद हमें पहला स्टार मिलता है, 288 आवर्स बाद दूसरा स्टार मिल जाता है, और 1152 आवर्स के बाद में हमें तीसरा स्टार मिल जाता है। सॉस मेकर में भी आप देख सकते हैं, 72 घंटे पे 288 आवर्स में और 1152 आवर्स में हमें 3 स्टार मिल जाते हैं। स्विंग मशीन में 72 आवर, 288 आवर और 1152 आवर में हमें 3 स्टार ये मशीन हो जाती है। स्मेल्टर जो है वो 390 आवर्स में हमें पहला स्टार मिलता है, और 1540 आवर्स में हमें दूसरा मिलता है, और 6180 आवर्स के बाद हमें 3 स्टार मिलता है। इसमें सबसे मुश्किल से हमें स्टार्स मिल रहे हैं, यानी कि स्मेल्टर आपका 3 स्टार होने में काफ़ी वक्त लेता है। स्मूथी मिक्सर 72 घंटे पे हमें पहला स्टार मिल रहा है, 288 पे दूसरा, और 1152 पे हमें तीसरा स्टार मिल रहा है। सूप किचन में 72 घंटे पर हमें पहला स्टार मिल रहा है, 288 आवर्स में हमें दूसरा स्टार मिल रहा है, और 1152 आवर्स में हमें तीसरा स्टार मिल रहा है। सुगर मिल 25 घंटे पर हमें पहला स्टार मिल रहा है, 100 घंटे पर हमें दूसरा स्टार मिल रहा है, और 400 आवर्स पर हमें तीसरा स्टार मिल रहा है। सुशी बार 72 घंटे, 288 और 1152 पर हमें तीसरा स्टार मिल रहा है। टेको किचन 72 घंटा, 288 और 1152 आवर पर हमें तीसरा स्टार मिल रहा है। लास्ट डेट टी स्टैंड 72 घंटे पर हमें पहला स्टार मिलता है, 288 पर हमें दूसरा स्टार मिलता है, और 1152 पर हमें तीसरा स्टार मिलता है, और ये चीज़ फास्ट काम करने लगती है। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।